नमस्कार पेरेंट्स पेरेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे द सेकेंड पार्ट हमारे वीडियो का कि हम घर में अपने बच्चे के ओटी सेशंस कैसे प्लान करें। पहले वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने जो पहले फोर टारगेट्स होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं उसके बारे में बात की थी। दैट इज़ ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड नंबर फोर सेंसरी इंटीग्रेशन। इन चार चीज़ों को हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो भी देख लीजिए। अब आगे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड द फोर्थ वॉज सेंसरी इंटीग्रेशन, ये चार हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द फिफ्थ हेडिंग, फिफ्थ टारगेट इज परसेप्शन। बच्चा क्या परसीव कर रहा है, क्या चीज़ों को सही तरीके से परसेप्शन है बच्चे का, परसीव कर पा रहा है। अगर एप्पल पड़ा है और आप बोलो कि रेड दे दो, तो क्या वो एप्पल उठा के देगा? आपके बच्चे को रेड कलर पता है, लेकिन क्या वो सिर्फ कलर्स तक ही सीमित है? क्या वो ओवरऑल दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ रेड होगी तो उसको परसीव करके आइडेंटिफाई करके दे पाएगा, या अगर आपने रेड मांगा तो वो कोई कलर या कोई क्रेयॉन या कोई पेग ही ढूंढेगा? सो हाउ द चाइल्ड परसीव्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। परसेप्शन बढ़ाने का तरीका एक ही है, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाइए और उस वोकैबुलरी को जनरलाइज करवाइए। आपके बच्चे को आपने सिखा दिया कि दिस इज रेड कलर, अब उसको जनरलाइज करिए कि बच्चे पोस्ट बॉक्स इज रेड, एप्पल इज रेड, टोमैटो इज रेड, चेरीज आर रेड, कोई उसकी टी शर्ट है दिस इज ऑल्सो रेड। तो आपको रेड का परसेप्शन सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नो, बहुत बच्चे होते हैं, आप उन्हें फ्लैश कार्ड्स दो तो वो आपको सब कुछ उठा के देंगे। एप्पल दे दो दे दिया, ग्लास दे दो दे दिया, सब दे देंगे। बट जब वही चीजें रियल में आप रख दो तो वहां वो अटक जाते हैं। सो उनका परसेप्शन 2D तक ही सीमित है, इसका मतलब है वो इमेजेस में परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन 3D में अटक जा रहे हैं, रियल में अटक जा रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो आप थेरेपी में सीख रहे हैं थ्रू फ्लैश कार्ड्स, थ्रू बुक्स, थ्रू इमेजेस, उसका रियल में जनरलाइजेशन जरूर करवाइए। दैट इज हाउ इट विल वर्क। सो द फिफ्थ टारगेट इज परसेप्शन। इज योर चाइल्ड एबल टू परसीव थिंग्स करेक्टली? इज ही एबल टू जनरलाइज? जो भी ज्ञान बच्चे के पास है क्या वो जनरलाइज कर पा रहा है? दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? नंबर सिक्स इज कम्युनिकेशन। हाउ वेल इज द चाइल्ड ट्रेन्ड टू कम्युनिकेट? जब हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं ना, देर आर टू पार्ट्स, वन इज रिसेप्टिव एंड द अदर इज एक्सप्रेसिव। रिसेप्शन मतलब क्या बच्चा सुन के जो बोला जा रहा है या जो बताया जा रहा है क्या वो समझ पा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली काम कर पा रहा है? आपके बच्चे को आपने कहा जाओ ग्लास लेके आओ, तो क्या वो ये फॉलो करेगा? दैट इज रिसेप्शन, कि बच्चे ने कमांड सुना, फिर उसने प्रोसेस किया, फिर उसने एक्ट किया। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने आवाज दी वीर, क्या आपका बच्चा पलट के देखा? अगर पलट के देखा तो हाँ, रिसेप्टिव है, ही नोज कि मैं वीर हूं, है ना? सो बेसिक रिस्पॉन्स टू नेम भी एक टाइप का रिसेप्टिव लैंग्वेज, रिसेप्टिव कम्युनिकेशन ही है। पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि मैम हम इनसे कुछ अपना नीड बोलते हैं तो ये नहीं सुनते।
मैंने कहा जाओ जाके जरा ग्लास ले आओ तो नहीं आएंगे, या आओ जरा ये पढ़ाई करते हैं, नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही बोला ये देखो चॉकलेट, तुरंत पलट के देखेंगे। सो दैट इज सिलेक्टिव रिसेप्शन। चाइल्ड उतना ही प्रोसेस कर रहा है जो उसकी पसंद का है, जितना उसे चाहिए, राइट? सो कम्युनिकेशन के लिए भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी। क्या आपके बच्चे को पता है, अगर आपके बच्चे का नाम वीर है, क्या उसको पता है कि मैं वीर हूं? आई एम वीर, डज ही इवन हैव दैट वोकैबुलरी? समटाइम्स नो। मेरे बच्चे को खुद प्यास लगती है तो वो ग्लास उठा के ले आता है, मुझे दिखाता है तो मैं पानी डाल देती हूँ। बट क्या आप अगर उसके बाजू में ग्लास और चम्मच और एक खिलौना पड़ा है, अगर आप बोलो बच्चे ग्लास दे दो, तो क्या वो उठा के देगा? वहां पे रिसेप्शन की बात आती है। अगेन, हाउ विल यू सॉल्व इट? वोकैबुलरी, बिल्ड अप योर चाइल्ड्स वोकैबुलरी। अगर आपका बच्चा रिसेप्टिव है, कमांड्स फॉलो कर रहा है, अब वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, वर्बली या नॉन वर्बली? अगर नॉन वर्बली कर रहा है तो कैसे कर रहा है? हैंड लीडिंग कर रहा है, आपको खींच खींच के लेके जा रहा है? क्या पॉइंट कर रहा है? पॉइंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, पॉइंटिंग सिखानी पड़ती है। या फिर वो आवाज़ दे के मम्मी दे दो, या जो भी उसको चाहिए, अगर उसे पानी चाहिए तो पानी बोल रहा है। दैट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तभी आएगा पेरेंट्स जब रिसेप्शन आएगा। द चाइल्ड हैज टू रिसीव, द चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड, द चाइल्ड हैज टू परसीव करेक्टली इन ऑर्डर टू देन बी एक्सप्रेसिव। चाहे वो नीड बेस्ड एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, उसके लिए पहले परसेप्शन, पहले रिसेप्शन आना चाहिए। कैसे आएगा? वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए और खूब कमांड्स फॉलो कराइए। ले लो, दे दो, पापा को दे दो, दादी को दे दो, मम्मी को दे दो, भैया को दे दो, टेबल से लेके आओ, चेयर से लेके आओ, किचन से लेकर आओ, बेड से लेकर आओ। चीज़ों का मतलब समझेगा, किचन क्या होता है, बेड क्या होता है, टेबल क्या होता है, चेयर क्या होता है, घर में मम्मी कौन है, दादी कौन है, पापा कौन है, दीदी कौन है। ले लो, दे दो इज द बेस्ट फॉर्म टू इम्प्रूव द चाइल्ड्स रिसेप्शन। सो किस पे काम करना है? वोकैबुलरी और कमांड फॉलोइंग पे, राइट? तभी एक्सप्रेशन पे आएंगे, राइट? देन नंबर सिक्स, सिक्स्थ माइलस्टोन जो हम लेते हैं, दैट इज एडीएल्स। हाउ गुड इज द चाइल्ड, हाउ इंडिपेंडेंट इज द चाइल्ड? एडीएल मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। क्या बच्चा खुद से खाएगा? क्या बच्चा ब्रश कर रहा है? जब आप नहलाते हो तो क्या वो नहलाने देता है? पहली तो ये चीज़। जब आप ब्रश कराते हो तो क्या वो करने देता है? कंघी सर पे लगाने देता है? सो पहले तो एडीएल से रिलेटेड, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग से रिलेटेड जो सेंसरी इश्यूज़ हैं, पहले तो वो सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे हैं ब्रश मुंह में ही नहीं लेते, माँ को बाल को हाथ ही नहीं लगाने देते, नहाते समय साबुन नहीं लगाने देते, नहाते समय सर पे पानी जाता है, आंख पे जाता है, दे गेट सो स्केयर्ड, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ हैविंग अ बाथ। ये उनके सेंसरी इश्यूज हैं। बच्चे हैं जो ओरल टेक्सचर्स, मुंह में कुछ टेक्सचर्स नहीं चाहते लेना, सौगी खाना नहीं लेंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे, ओरल इश्यूज हैं, सर्टन टेक्सचर्स नहीं पहनेंगे, सेंसरी टैक्टाइल इश्यूज हैं। तो पहले तो इन एडीएल्स से रिलेटेड जो सेंसरी प्रॉब्लम है बच्चे की, बच्चा सॉक्स पहनेगा ही नहीं, बच्चा जूता तुरंत उतार के फेंकेगा, उसका सेंसरी इश्यू है वो, तो पहले वो सेंसरी रिजॉल्व करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट कंप्लीशन ऑफ टास्क पे जाएंगे। समझ रहे हैं आप? सो वो भी एज अप्रोप्रिएट, कि किस एज का बच्चा है और उसके हिसाब से क्या एडीएल प्लान करना चाहिए, एडीएल कैसे कराना है, ये सब चीज़ों पे कैसे काम करना है, इन सब के डेमो वीडियोस मैं डाल रही हूँ एट द एंड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड लिंक्स डाल रही हूँ। वोकैबुलरी कैसे बढ़ानी है इसका लिंक, रिसेप्शन कैसे इम्प्रूव करना है, कमांड फॉलोइंग कैसे इम्प्रूव करनी है, एक एक चीज़ का मैं लिंक डाल रही हूँ और कुछ चीज़ों के छोटे छोटे डेमोज शेयर कर रही हूँ। उस हिसाब से प्लान कीजिए।
ADLs में खाना कैसे खिलाना है बच्चा, कैसे उसको फीडिंग सिखाएं, कैसे लेसिंग सिखाएं, ये सारे लिंक्स हम डाल रहे हैं, राइट। नंबर 8 इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। क्या आपका बच्चा जब आप घर वापस आते हो आपको स्माइल करके देखता है, आई कांटेक्ट देके वो स्पार्कल आता है उसकी आंख में कि आ माँ आ गई, स्माइल करता है। आप कहीं बाहर लेके जाओ, गार्डन में खेल रहा है, तो क्या पलट पलट के देखता है कि माँ है? कोई घर आया तो उसको ग्रीट करेगा? पापा घर के बाहर जा रहे हैं तो वेव या बाय करेगा? दीज आर ऑल सोशियो इमोशनल टास्क, ये भी सिखाना पड़ता है। दिस ऑल्सो नीड्स टू बी टॉट। बच्चे को बाय करना सिखाना पड़ता है, बच्चे को अवेयरनेस कि माँ कहाँ है सिखाना पड़ता है। आप अपने बच्चे को नीचे लेके जाते हैं गार्डन में खिलाने, वहां जितने लोग बैठे हैं सबको चलो नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो मुंह ऊपर करो आंख में देखो नमस्ते, हाथ जोड़ो मुंह ऊपर करो आंख में देखो नमस्ते, बार 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 10 लोग बैठे हैं 10 को करेंगे। खेल लिए वापस आ रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं सबको बाय बाय, देखो देखो आंख में देखो बाय 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 बाय, करते जाइए तो बच्चा सीखेगा। जब बच्चा हाय बाय कर रहा है, बच्चा सोशल स्माइल दे रहा है, वेरी गुड। कोई घर आया तो पानी ऑफर करना है, कोई घर आया आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम तो रिप्लाई देना है, राइट। वहां बैठना है, कुछ बच्चों के लिए तो एक नए क्राउड में बैठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नए लोग घर में आ गए तो बच्चा बिल्कुल ऑकवर्ड फील करके, एंग्शियस फील करके कमरे में घुस जाता है। तो हर स्टेप पे देर इज सेंसरी दैट वी हैव टू रिजॉल्व, उससे रिलेटेड सेंसरी इशू रिजॉल्व करना है और फिर वो टास्क सिखाना है ना। सो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट टारगेट। एंड लास्ट इज कॉग्निशन। आपके बच्चे का कितना नॉलेज बेस है और उसको कितना वो अप्लाई कर पा रहा है। अभी रिपब्लिक डे था, मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी कि तिरंगा है, ट्राई कलर, 1 2 3 तीन कलर है, मैं बार बार ये बोल रही थी। मेरे एक ऑटिज्म के बच्चे ने बोला कि नहीं मैम 4 कलर है, सैफरन वाइट ग्रीन और अशोक चक्र का ब्लू, तो उसको क्यों नहीं ले रहे? दिस इज कॉग्निशन। और कॉग्निशन पेरेंट्स पढ़ाई करा के ही आता है। मैं ज़्यादातर जिन बच्चों को इनकाउंटर करती हूँ, ABCD बोलते हैं, नंबर्स आते हैं, काउंटिंग आती है, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ABCD आती है तो चलो ना दो दो शब्द दो दो लेटर्स जोड़ो ना, एट फोनिक्स सीखो, एम एन करो ना। आपके बच्चे को काउंटिंग आती है, वैल्यू काउंटिंग सिखाओ ना, व्हाट कम्स बिफोर व्हाट कम्स आफ्टर शुरू तो करो। साइंस का ज्ञान क्यों नहीं देते बच्चे को? टेल हिम बॉडी पार्ट्स क्या हैं, ओके आ गया बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं उसमें से, 5 सेंस ऑर्गन्स, वेरी गुड आ गया, बहुत अच्छी बात। प्लांट क्या होता है, प्लांट किसको बोलते हैं, प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं, ट्रैफिक लाइट क्या होती है, हमारे रेगुलर हेल्पर्स कौन होते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है। एक्सटर्नली बॉडी पार्ट सिखा दिया, इंटरनल सिखाइए ना। 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, बताओ ना बच्चे को। मैडम ये तो समझेगा ही नहीं। क्यों नहीं समझेगा? आपने कोशिश की नहीं की ना, तो अज्यूम नहीं कर लेना कि ये तो आएगा ही नहीं। मेरे सेंटर में हर बच्चे को पता है महात्मा गांधी कौन है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, सबको पता है शिवाजी कौन है, सबको पता है मदर टेरेसा कौन है। उनको सिखाया जा रहा है, उनको सबको पता है पार्ट्स ऑफ अ फिश क्या है, पार्ट्स ऑफ अ बटरफ्लाई क्या है। बोल नहीं सकते, एक्शन करेंगे, आईज बटरफ्लाई की तुरंत, मैम एंटीना, तुरंत एंटीना दिख जाएगा, विंग्स तुरंत आ जाएगा। तो आप अज्यूम मत करो कि ये तो हमारा बच्चा करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, करेगा। उनका नॉलेज बेस को बस ABCD 1 2 3 तक रेस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है? आपका बच्चा नहीं लिख रहा, लिखने में उसको असिस्ट लग रहा है, हेल्प लग रहा है, टच लग रहा है, ठीक है, वो अपनी पेस पे चलेगा, बट
बट बच्चा अगर ज्ञान ले रहा है तो वो दीजिए ना। मैं जब बच्चों को अपने बोर्ड पे सिखाती हूँ ना, मैं व्हाइट बोर्ड लगा के उस पे ये सारा ज्ञान, पार्ट्स ऑफ अ बटरफ्लाई, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ट्रैफिक लाइट, सब उस पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ उनको। पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है वहाँ पे, इतना ध्यान से मेरे बच्चे देखते, बिकॉज दे लाइक विजुअल्स। सो यूज ना जो भगवान ने दिया है, दे आर विजुअल लर्नर्स, वहां वो देखेंगे। वैसे आपको आई कॉन्टैक्ट ना दे, बट आप उनको व्हाइट बोर्ड पे सिखाओ तो दूर से भी ध्यान लगा के देखेंगे कि क्या लिख रही है। आएंगे भाग के कि मैम हम रब करते हैं। सो अज्यूम करके मत चलिए कि नहीं करेंगे, कराइए। राइट, एक नॉर्मल बच्चे को भी तो हम सिखाते हैं ना कि 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, 2-3 साल में ही शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम ना बच्चे को 26 का मतलब पता होता है, ना जनवरी का मतलब पता होता है, ना रिपब्लिक डे का मतलब पता होता है। पर हम बोलते जाते हैं, हर साल करते जाते हैं, बच्चा समझने लगता है। हमारे बच्चे भी समझते हैं। सो उनके कॉग्निशन पे काम जरूर कीजिए, डू इट राइट पेरेंट्स। सो 5 टारगेट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, एडीएल्स एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉग्निशन। पहले दो परसेप्शन और लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी है वोकैबुलरी एंड कमांड फॉलोइंग। द टारगेट देयर इज बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड करना और उससे खूब कमांड्स फॉलो कराना। एडीएल्स के लिए जरूरी है पहले उस एडीएल से रिलेटेड सेंसरी इशू को रिजॉल्व करना। ब्रश नहीं कर रहा, ब्रश मुंह में डालने दे रहा है क्या? नहीं डालने दे रहा, सेंसरी है। चलिए मसाज कीजिए, ब्लोइंग कीजिए, पहले वो रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद वो एडीएल होगा। नंबर 4, सोशियो इमोशनल। नमस्ते करना, हाय करना, आई कॉन्टैक्ट देना, पापा घर में आए तो स्माइल करना, जा रहे हैं तो बाय करना, दिस इज वेयर यू स्टार्ट। एंड नंबर 5 इज कॉग्निशन, जिसके लिए बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाई सिर्फ रिटन नहीं होती, ज्ञान ओरल भी होता है ना? सो पेरेंट्स, दीज आर योर 9 टारगेट्स जिसपे आपको बच्चे का एक होलिस्टिक प्लान बनाना है, और सब कुछ साथ में चलेगा। पहले मैं सिर्फ मोटर पे काम करूंगी, फिर उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं होता। समय जा रहा है हमारे बच्चे का। 15 से 20 मिनट के 4 सेशंस प्लान कीजिए और उसमें ये एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट कीजिए, राइट? एंड आप देखेंगे मोस्ट एक्सरसाइजेस में आपके एक साथ 2 से 3 टारगेट्स फुलफिल हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड पेरेंट्स। नाउ यू प्लीज गो अहेड एंड वॉच द डेमॉन्स्ट्रेशन वीडियोज और द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वोकैबुलरी बिल्डिंग, रिसेप्शन, एडीएल्स, कॉग्निशन, इन सब के लिंक्स भी मैं शेयर कर रही हूँ वीडियोज के। सो प्लीज गो थ्रू देम, मेक योर नोट्स एंड देन होलिस्टिकली मेक अ प्लान जो आप अपने बच्चे के साथ घर पे फॉलो करें। राइट पेरेंट्स, सो वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव, तथा अस्तु, नमस्कार। वेरी सिंपल एक्टिविटी टू ट्रेन द चाइल्ड इन एडीएल, हाउ टू फीड। पहले ऐसे शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बच्चा सेल्फ फीडिंग भी करेगा। दिस इज एन एक्टिविटी इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, फीडिंग वन सेल्फ। गुड, चलो हाँ, ट्रैक करो, दूसरा कटोरी में डालो। वेरी गुड, वापस। दिस हेल्प्स इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। हाँ करो करो, हाँ हाँ नहीं, ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो बाबू, हाँ ठीक से पकड़ो। पापा,
ये एक हाथ से पकड़ेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। चलो हाथ छोड़ो, अप, वन, हाँ था ना था, चल, टू, हाँ, थ्री, आकर, आकर, फोर, वेरी गुड, हाँ चल चल, फाइव, हाँ, चल चल चल, ठीक है, सिक्स, फोर, चल चल, एक और, नो, लेके तो पकड़, बीस से चाहिए पर्टिकुलरली बॉयज के लिए जिनके पैंट में जिप होती है उसके लिए ये प्रैक्टिस अगेन ओपन क्लोज आप खेल इधर देख क्या करती है सपोर्ट एक्शन अद्वैत